पश्चिम बंगाल के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पर हुए हमले के विरोध में बिहार दरभंगा के जेडीए के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इससे वहां की चिकित्सकीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूर दराज से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। छोटे बच्चे इलाज के अभाव में दर्द से कराह रहे हैं। यहां पहुंचे मरीज जल्द से जल्द सरकार से डॉक्टरों की समस्या सुलझाने की अपील कर रहे हैं। आज हम तो गुनाहार था, आज जब गेट पर आए हैं तो बोलते हैं कि आज हड़ताल है, डॉक्टर लोग हड़ताल किए हैं। तो हम ऐसा आग्रह करते हैं ये प्रशासन से, इसके कोई व्यवस्था करे, जो हॉस्पिटल हड़ताल नहीं हो, चाहे जिस किसी कीमत पर हो, डॉक्टर को भी दबाव नहीं हो, पब्लिक को भी ऐसा कोई कानून बन जाए, ये हमारा इच्छा है। दरअसल एनआरएस मेडिकल कॉलेज में 10 जून की देर रात एक मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद उसके परिजनों ने काफी हंगामा किया था और डॉक्टरों पर जानलेवा हमला भी किया था। इसी के विरोध में जेडीए बिहार ने 14 जून को बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में एक दिन की हड़ताल कर रखी है। इस दौरान डॉक्टर किसी भी वार्ड में अपनी सेवा नहीं देंगे। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स की मांग है कि आपराधिक तत्वों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। के लिए है जो एनआरएस मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी था उसके साथ जो वायलेंस हुआ उसको इस तरह से मारा गया कि सीवियर हेड इंजरी हुआ, वो एकदम सीवियर कंडीशन में है और मरणास्थान स्थिति में है। तो इसलिए हम लोग पूरे इंडिया से जितने भी डॉक्टर्स एसोसिएशन सारे लोग आज सांकेतिक हड़ताल पे हैं। सारे जगह ओपीडी बंद है और हम लोग भी बंद है। हमारी मांग ये है कि डॉक्टर गैस वायलेंस बंद हो, स्ट्रॉन्ग कानून लाया जाए केंद्र सरकार के द्वारा या और बिहार सरकार के या स्टेट सरकार जो भी है उनके द्वारा और उसका कड़ाई से पालन। सवाल तो ये उठता है कि दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स आज खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए हड़ताल करने को मजबूर हैं, पर उन मरीजों का क्या जिनकी कोई गलती ना होने पर भी बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है। दरभंगा से न्यूज़ के लिए सुनील भारती की रिपोर्ट।